तो इसी के साथ मैं आ चुका हूँ एक नई गेम प्ले के साथ भाई लोग। ये पबजी मोबाइल के आर का पहला गेम प्ले है मेरे चैनल में, और भाई लोग आई होप ये गेम प्ले आपको अच्छा लगेगा, और पहले वाला क्लिप तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो भाई लोग इधर मैं लिविक मैप में क्रैब ग्रास में उतरा था स्क्वाड हाउस में, तो स्क्वाड हाउस में मैं आया और इधर मेरे को कुछ बैंडेजेस मिले, यूजी मिली, SMG एक्सटेंडेड मैग मिला और M762 मिला, तो मेरे बहुत खुश हो गया भाई, फाइनली एक सेवन का तो गन मिल गया। ओके तो मैं उसके बाद गया ऊपर, और ऊपर गया और ऊपर जाके मेरे को कुछ मिला नहीं, एक हेलमेट और वेस्ट को छोड़ के, हेलमेट ऑलरेडी है और वेस्ट भी ऑलरेडी था, मैंने एक्सटेंडेड मैग ले लिया, मतलब ऊपर सब कचरा ही कचरा था उस एक्सटेंडेड मैग को छोड़ के, और नीचे मेडिकेट वो मैंने उठा लिया। उसके बाद मैं आया नीचे, और नीचे आया तो इधर भी वैसे कुछ था नहीं इस मेडिकेट और पेन किलर को छोड़ के, तो इस घर से मैं निकल के चला गया सामने वाले घर पर। और भाई लोग इस बार मैं रैंडम्स के साथ खेल रहा हूँ, और नेक्स्ट टाइम अगर आप बोलोगे तो नेक्स्ट वीडियो में या फिर किसी और वीडियो में मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड में खेलूंगा, या फिर डुओ वर्सेस स्क्वाड भी खेलूंगा। डुओ वर्सेस स्क्वाड मीन्स मैं टीटी वेट के साथ भी खेलूंगा। फिलहाल तो इधर मेरे को M762 में जो ओरक्स लगा हुआ था मैंने इसको हटाया नहीं, हटाना एक्चुअली भूल गया था मैं, और इधर रेड डॉट पड़ा था, रेड डॉट ऑलरेडी है तो मेरे को चाहिए नहीं था, तो तब मेरे M762 में मैंने रेड डॉट को लगा दिया। उसके बाद नीचे आया तो इधर एक बंदा है, मेरा मतलब बॉट है, तो नंबर 4 इधर से आ ही रहा था बट ये, और उसको किल ही नहीं मिला, वो आ रहा था तो इसको मैंने नॉक कर दिया और फिनिश जो है वो उसने कर दिया। और भाई इधर से मेरे को कुछ मिला नहीं, सिर्फ 5K एमओ मिले, 5K गन तो वैसे भी मेरे पास था नहीं, तो इधर मेरे को मोली मिली, एंड देन मैंने एक एयर का मैग उठा ली, क्योंकि मेरे को अगर M4 मिले स्कारल में भी फाइव का गन मिले तो मैं ले लूँगा उसको। और इधर को मैं ऊपर गया, इधर 7 का एक एमओ उठाया, उसके बाद 2 एनर्जी ड्रिंक्स थे मैंने दो उठा लिए। उसके बाद मैं इस घर से दूसरे घर में गया लूटने के लिए, सो उस छोटे वाले घर से मैंने थोड़ी लूट पाट कर ली। मैंने M12 उठा ली थी, वैसे ही गन मेरे को उतनी पसंद नहीं है, पर मैंने सोचा 5K गन रख ही लेता हूँ, तो मैंने एक गन उठा तो लिया। उसके बाद मेरे को इस एक बंदी की साउंड मेरे को इसी घर से आ रही थी, तो मैं गया ऊपर। अब देखो बंदा कहाँ बैठा हुआ है, मैं ऊपर गया दिखा नहीं, पीछे से इधर बैठा हुआ है बंदा। वैसे इसने ज़्यादा HP काटी नहीं, सिर्फ 50 HP आए थे, 50 HP उसने काट दिया मेरा, और मैंने उसको मार भी दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉक एंड फिनिश। तो भाई लोग इधर मेरे को बहुत डर लगने लगा, क्योंकि ये फिनिश नहीं हुआ था, ये नॉक हुआ था, मतलब इधर कुछ बंदे अभी भी हो सकते हैं, इसके टीममेट कुछ हो सकते हैं, और ये अपने टीममेट को कॉल दे सकता है मैं कहाँ पर हूँ ये सब। तो मुझे लग रहा था इधर कोई टीममेट है, तो मैं थोड़ा सा डर गया था क्योंकि ये लोग मुझे ना पेल, क्योंकि हम लोगों का एक टीममेट जो मर चुका है या फिर ऑफलाइन हो चुका है, मेरे को दिख नहीं रहा है मेरे फायर बटन की वजह से। तो फिलहाल तो ये 3v4 का है, तो कुछ देर बाद मेरे जो बाकी 2 टीममेट्स है वो भी मर जाएंगे, नंबर 4 एंड नंबर 1। नंबर 4 गया, दोनों नॉक हो गया, दोनों फिनिश हो जाएंगे, अभी एक फिनिश हुआ, नंबर 4 फिनिश हुआ, नंबर 1 भी अभी फिनिश हो जाएगा, तो ये भी फिनिश हुआ। तो अभी जो ये मैच है सोलो वर्सेस स्क्वाड का बन चुका है। तो अब देखो सिर्फ होता क्या है, मैं इधर इस घर में, इस वाले घर में आया, चिंता मत करो इधर कुछ है नहीं भाई, कोई भी दुष्ट प्राणी इधर नहीं है। उसके बाद ऊपर गया, पीछे इस बार किसी ने कैंपिंग नहीं की, नहीं तो उसका भी भेजा मैं फोड़ ही देता। उसके बाद मैं इधर से कूद गया सामने वाले घर में, मैं फिर से गया, और हालांकि मैं इधर को M4 ही ढूंढ रहा था, पर M4 मेरे को मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि जब तक M4 ना मिले मैं रश करने के मूड में एकदम आता ही नहीं हूँ, M4 के बिना मैं रश ही नहीं करता हूँ किसी के ऊपर। और AKM मेरे को मिल गई है वह बहुत पहले ही वैसे क्लोज रेंज के लिए, और AKM का तो मेरा स्क्रीन है वो वैसा परमानेंट है, और स्कारल का स्क्रीन मेरे को कम मिला मेरे को पता ही नहीं, मेरे को अभी एडिटिंग करते वक्त दिखा, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इसमें। ओके तो मैं उसके बाद मैं इधर से निकला, इस ब्रोकन वाल को चढ़ के इधर आया, एंड हाथ पे लिया मैंने स्कारल और ऊपर गया। ऊपर जाके मेरे को इधर कुछ मिला तो नहीं, वैसे मैं सर M4 इधर को ढूंढ रहा था पर M4 मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक और एक्स्ट्रा स्कारल था जो कि इसका एमओ लूटेड था, मतलब एमओ ऑलरेडी ले लिया गया ऑलरेडी, तो इधर आया, इधर को भी एमओ ही पड़े हुए थे, पर M4 मिलने का नाम ही नहीं है भाई, मतलब मिल ही नहीं रहा, जो कुछ कर लो M4 मिलेगा ही नहीं। उसके बाद इधर फिर से इस घर में मैं आया, ऑलरेडी मैं लूट कर चुका था उधर से जम मार के, तो इसको भी मैं लूट कर लिया ऑलरेडी। तो मैं सामने आया और मैंने सोचा था स्क्वाड हाउस के साइड में जाता हूँ, स्क्वाड हाउस के बगल में जो राइट में एक हाउस है उसमें लूट करने जाता हूँ, पर इधर को मैंने देखा कुछ है तो नहीं वैसा, तो मैं इधर गया, पीछे भी कुछ नहीं है, तो मैं इधर से निकला, एंड देन मैं लेफ्ट साइड में थोड़ा गया, और लेफ्ट साइड में मैं इस घर में आ गया। तो इस घर में जब आया मेरे को इधर वेक्टर मिला जो मेरे को ले, जो मैंने ले ही लिया, तो
ऊपर गया मैं, ऊपर गया तो इधर को मेरे को थंब ग्रिप ले, तो मैंने देखे मेरे पास कौन सा ग्रिप, तो मैंने देखा मेरे पास लाइट ग्रिप था, तो मेरे को लाइट ग्रिप को फेंक के थंब ग्रिप लगा दिया। और भाई लोग मेरे को एक चीज़ कहनी है आप लोगों को, भाई प्लीज़ स्कारल में जो कभी का हाफ ग्रिप मत लगाना, क्योंकि भाई स्कारल इतनी हिलती है, इतनी हिलती है, ऐसा लगता है भाई आप किसी को शॉक ट्रीटमेंट दे रहे हो। भाई शॉक जब दे तो बंदा जैसे जिसको भी शॉक दे रहे हो वो हिलता है ना, जैसे स्कारल की जब तुम स्कोप खोल के मारते हो ना तब सही में बहुत हिलता है। वैसे भाई लोग अभी जो ये क्लिप देख रहे हो ना, ये फर्स्ट वाला क्लिप ही है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखो। तो भाई लोग अभी जो आपने क्लिप देखी है भाई, ये 10 SPD की क्लिप थी, तो मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं। आप मुझे पता है आप लोगों ने खुद ही लाइक बटन दे, लाइक में क्लिक कर दिया होगा, सब्सक्राइब जरूर कर दिया, मेरे को बोलने की जरूरत है ही नहीं, आपने कर दिया मुझे पता है। और भाई लोग एक चीज़ बोल रही है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ, वो बंदा ऊपर से कूदा क्यों, तो देखो ये जो बॉट था या बॉट ऊपर गया, और उस बंदे को ऐसा लगा ऊपर मैं जा रहा हूँ, मतलब उसको लगा बंदा ऊपर जा आ रहा है, मतलब बंदा मीन्स मैं ऊपर आ रहा हूँ, तो उसको ये लगा। और भाई इस बंदे की किस्मत कसम से इतनी ख़राब है ना, उसको लगा मैं ऊपर आ रहा हूँ, वो कि नीचे कूदा, कुछ और ही निकला, ऊपर गया बॉट और नीचे निकला असली, और मैंने उसको मार दिया। मतलब इस बंदे की किस्मत इतनी ख़राब थी ना, और मेरे को लगा सामने वाले घर में कोई है, तो मैंने सोचा मौली करूँ, पर मौली उधर तक जा नहीं रही थी, इस एंगल मेरे को इधर एंगल नहीं मिल रहा था, मौली जाती बट एंगल नहीं मिल रहा था, और ऊपर से जोन भी आ गया, और ये जोन जो लाइव थोड़ा थोड़ा सा ही ज़्यादा कट कर रहा था, तो मैं सामने आई गाड़ी को लेके मैं भागने वाला था, मतलब थोड़ा प्रोन होता को मेरा बंदा दिखा, और मैंने जैसे कि बोला था आप लोगों ने अभी देखा भाई स्कारल इतना हिलता है ना, किसी को शॉक ट्रीटमेंट भी दे दोगे ना, मेरे को लगता है किसी को शॉक ट्रीटमेंट भी दे दो वो बंदा भी इतना नहीं हिलेगा जितना स्कारल हिलता है। तो इसलिए बोलता हूँ भाई स्कारल मतलब मत ही लो, मैं अगर आप स्कारल लवर हो ना, बस स्कारल कोई इतना पसंद नहीं करता, तब भी बोलो हो ना, तो भाई M4 को चूज़ करो। तो इधर मैं थोड़ा बूस्टअप करने लग गया, इस पार्ट को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दी, क्योंकि ये बोरिंग सा पार्ट है और स्किप तो मैं करना नहीं चाहता वैसे भी, तो इधर को मैंने इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। और मैं गाड़ी में बैठने वाला था, मैंने सोचा मेडिकेट लगा ही लेता हूँ, तो मैं गाड़ी में बैठा इधर ड्राइव दे के, एंड देन मैं ऐसे निकलने वाला है, तो अब देखो सिर्फ होता क्या है मेरे साथ, सिर्फ देखते रहो क्या होता है। इधर मेरी हेल्थ है बहुत कम और इधर मैं मर गया। तो भाई लोग मेरे को एक चीज़ ना बहुत ही मतलब अजीब सी लगी, और भाई लोग अजीब सी चीज़ मेरे को कुछ ऐसी लगी, भाई लोग मैं गाड़ी से जा रहा था, उस जो बंदे ने मेरे को स्प्रे दिया ना, इस बंदे की किस्मत बहुत ख़राब थी, वो सोच रहा होगा भाई ये बंदा मरा बट किल क्यों नहीं मिला, उसके वजह किल फील्ड उसने चेक किया होगा, भाई मेरा किस्मत बहुत ख़राब है, ये तो प्ले जोन से मर गया। तो उस बंदे का किस्मत इसलिए बहुत ही ख़राब है भाई लोग, मतलब वो जो बंदा था मेरे को कितना लिट गया था, मतलब मैं उसको बोलूँगा भाई तूने बहुत ही अच्छा किया, इसने नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा ये बहुत बुरा किया भाई, बहुत अच्छा किया, बट किस्मत ख़राब है भाई, मैं जोन से ही मर गया। तो भाई लोग ऐसा होता रहता है भाई, और भाई लोग हार जीत गेम में होते रहते हैं, और जैसा ही हो भाई लोग मेरे जो एक 10 SPD वाला जो क्लच था, दो क्लच वैसे स्क्वाड थे बट दो इधर था और बाकी दो बंदे थे कहीं और ही थे, बट जो भी हो ये तो 10 SPD वाली फाइट थी, आप लोगों को आई थिंक अच्छी लगी होगी, तो भाई लोग प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मैं ट्यूजडे को मीन्स कल ही एक और नई गेम प्ले, कल या फिर परसों, ट्यूजडे फिर वेडनेसडे, कल परसों में मैं एक नई गेम प्ले वीडियो के साथ आऊँगा। तो भाई लोग नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, #StayTuneTDZ, और शेयर प्लीज़ ज़रूर करना अपने दोस्तों को भी, अपने पबजी लवर्स को भी, तब तक के लिए बाय बाय।